हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे ये हमारा वीडियो में क्वेश्चन जो कह रहा है एप्लीकेशन का, ए इज एल्डर टू बी बाय 2 इयर्स। यानी अगर ए बड़ा है बी से तो ए माइनस बी की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी। फिर वो कह रहा है ए इज फादर एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। तो ए और एफ के अंदर मेरे को रिलेशन दे रखा है, ए इज फादर एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। तो ए के पापा जो है वो उससे ट्वाइस है, यानी ये कौन, ये जो है ये ट्वाइस है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्वाइस कर देंगे और इक्वल लगा देंगे। एंड बी और सी में रिलेशन दे रखा है, तो बी की जो सिस्टर है एस, बी की जो सिस्टर है एस यानी ये, इससे ट्वाइस है एज में। यानी आपकी बार ये बी जो है वो ट्वाइस है, देखा बी इज ट्वाइस इज ओल्ड एज सिस्टर एस, तो बी जो है वो ट्वाइस है। तो यानी अगर बी ट्वाइस है तो इक्वल करने के लिए मैं सिस्टर को ट्वाइस कर दूंगा। If the ages of father and sister, यानी जो ये father और sister हैं, इनकी ages differ करती है कितने से, 40 से, वो कह रहा है, तो find the age of A। तो father और sister की age 40 से differ करती है, तो मैं इन दोनों को minus कर दिया। अब आप देखेंगे अगर मैं values put कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2 है, और ये जो हो जाएगा मेरा S की value हो जाएगी minus का B by 2 is equal to 40। अगर मैं इसको LCM लेके लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 4 है, ये हो जाएगा मेरा minus का B is equal to 80। अब मेरे को साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये नमस्ते हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 3 है इज इक्वल्स टू माइनस का 78। माइनस से माइनस की नमस्ते, 3 वन जा 3, 3 टू जा 3, 6 जा, तो ए जो हो गया वो कितने साल का हो गया, 26 इयर्स का हो गया ए। यानी ए की जो एज है वो 26 इयर्स है। तो आई होप आपको ये एज वाले क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गए हो। फिर भी कुछ डाउट हो तो प्लीज